तो हम बात कर रहे हैं फॉर्म के ऊपर, राइट। ये चीज़ हमने आपको लास्ट क्लास जो हमारी जब रेंज की क्लासेज चल रही थी उसमें बताया था, लेकिन उसमें आप कंडीशन इस्तेमाल करना हम आपको सिखाएंगे। तो हम चाहते हैं जब इस पे यहाँ एक बटन बने, बटन में सबमिट करूँगा, डेटा एक के नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक माइक्रो बनाते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट सेंड नाम का माइक्रो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बोलते हैं डेटा, और यहाँ पे कर देते हैं डिम डब्ल्यू एज ए वर्कशीट। ऐसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप यूज टू हो जाए, क्योंकि जो चीज़ सिखाई थी भी यूज किया नहीं था ना मैंने। सेट डब्ल्यू इक्वल टू सीट्स डेटा, ठीक है। और W के जगह पे मैं यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ, F भी कर देता हूँ, और यहाँ F को सेट कर देता हूँ। सेट F इक्वल टू, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आप यूज टू हो इस सब कोड की। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि W डॉट रेंज A 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई डी। और आई डी हमने डिफाइन किया नहीं है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं डिम आई डी एज ए लॉ, ठीक है। स्पेलिंग सीम हो गया डी की जगह पे। और उसके बाद यहाँ हम करेंगे एप्लीकेशन, यहाँ सॉरी आई डी इक्वल टू, हाँ ये ऊपर करना होगा ना, हाँ आई डी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। और मैक्स में हमने बोला कि डब्ल्यू डॉट डेटा डब्ल्यू डॉट रेंज रेंज ए से ए हमने लिया, इसकी मैक्स ले ले, तो यहाँ पे हमने प्लस वन कर लिया, ठीक है। अब इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए। अब यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, और जीरो यहाँ हो जाएगा वन, और आईडी के जगह पे हो जाएगा हमारा डेट। फिर इसको वापस हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे टाइम कर देंगे क्योंकि हमारा दूसरे कॉलम में टाइम है ना, यहाँ पे टाइम है टाइम, और ए वन जो है वो हो जाएगा टू। अब नेम सिटी डालना है यहाँ पे, तो कॉपी। अब यहाँ जो टाइम के जगह है उस यहाँ पे टू को थ्री करेंगे, और यहाँ टाइम के जगह पे डालेंगे एफ डॉट। अच्छा यहाँ W कॉमा F रेंज, ए बी टू डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट, सॉरी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे थ्री के जगह पे हो जाएगा फोर, और बी टू के जगह पे हो जाएगा बी फाइव, और यहाँ हो जाएगा फाइव, और यहाँ पे बी टू के जगह पे हो जाएगा बी एट, और लास्ट में दे देंगे एम एस जी बॉक्स डेटा सेव, और फिर रेंज बी टू कॉमा बी फाइव कॉमा बी एट, क्या कर देंगे डॉट क्लियर कंटेंट, क्लियर कंटेंट। अब चलिए यहाँ पे एक बटन डिजाइन करते हैं, डेवलपर टाइप में जाके इंसर्ट,
और हमने फॉर्म कंट्रोल बटन लेके यहाँ पे एंट्री किया और हमने सेलेक्ट कर लिया सेंड को एंड ओके, और बटन के ऊपर हम लिख देते सेव सेव। अब यहाँ पे दे देता हूँ नेम में पूजा, आप ही का नाम दे देता हूँ, और मेरे सिस्टर नेम भी पूजा है इसलिए बार बार मैं पूजा लिखता हूँ डैली okay. और यहाँ पे अब मैं जैसे सेव पे क्लिक किया डेटा सेव ओके मैम। तो इसमें ये जो हमने सीट डिफाइन किया इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जगह जगह पे हमें वो शीट्स लिख के कोड को कॉम्प्लिकेट ना करना पड़ा, डिफरेंट फाइल में होता तो फाइल के दे देते, इसलिए हम यहाँ पे इसको सेट किया राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि मैं अभी फिलहाल अगर मान लीजिए कि नेम ना भी दूं, हमने ये आईडी कैसे सेट किया था, मतलब आईडी में हमने एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन हाँ मैक्सिमम लगा दिया ना, लेकिन इसमें इसकी जो पहले से डली हुई आईडी की मैक्सिमम प्लस वन ओके नेक्स्ट जैसे वन है तो यहाँ टू होना चाहिए ना सर मैम। ये टू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया मैक्स का फॉर्मूला सॉरी इक्वल मैक्स, और मैक्स में इसको कॉलम ले लिया, जो रिजल्ट आएगा उसमें प्लस वन हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है क्लियर है ओके दो ए हो गई। लेकिन इसमें अब बात है कि जैसे कि माने किसी ने एक मिनट सॉरी, अब मुझे करना है क्या इसमें अगला जो ऑप्शन इसमें आता है ये है कि जब मैं फॉर्म भरूं तो मेरा कोई भी सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए okay. तो उस केस में यहाँ हम जो आईडी कैलकुलेट वगैरह कर रहे हैं उससे ऊपर हम यहाँ कंडीशन देंगे, और तीन है इसलिए हमें देना होगा और की कंडीशन। तो यहाँ होगा इफ, इफ में हमने दिया रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेट इज इक्वल टू जीरो, और तीनों में से कोई चाहिए ना हमें, यहां पे बी फाइव डॉट वैल्यू जीरो और फिर यहां देंगे और फिर यहां पे बी एट डॉट वैल्यू जीरो दैन ठीक है। एम एस जी बॉक्स में शो होगा प्लीज फिल ऑन फिल ठीक है okay. और यहाँ पे हमें एग्जिट सब लगाना जरूरी है वरना नीचे को का जो कोड है वो फॉरवर्ड हो जाएगा फिर। तो हमने क्या किया, हमने चेक करवाया उसको कहीं जीरो मिला तो ये मैसेज देगा, मैसेज देने के बाद एग्जिट सब क्या करेगा माइक्रो को स्टॉप कर देगा, अगर यहाँ पे एग्जिट सब नहीं देते हैं तो फिर मैसेज देने के बाद भी सारी आई डी वाईडी डाल देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें इस कंडीशंस के आगे कुछ करना ही नहीं है, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, देन इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट सब दिया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ओके, अब देखिए यहाँ पे कोई आईडी वाईडी क्रिएट नहीं हुआ ना, समझ गए हेलो ओके इसमें आ गया आपको। अब यहाँ पे एक चीज और भी है जैसे कि ये तो ऑल फिल है, जैसे आप ये देना चाहते कि नहीं नेम नेम फिल करे तो बताए कि नेम फिल करो, सिटी फिल किया था सिटी फिल नहीं किया था सिटी बताए, क्योंकि यहाँ तो ऑल दिखा रहा है ना। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओम कर दिया यहाँ पे अमाउंट कर दिया फिर भी वो दिखाएगा प्लीज फिल द ऑल प्लीज फिल ऑल फिल, क्योंकि हमने इसमें अलग अलग सेल को रीड करने का दिया ही नहीं है। तो आपको ऐसा लगा कि मुझे अलग अलग सिलेक्ट करना होगा तो फिर आपको और नहीं होगा, ये आपको तीन अलग अलग इफ लगाने पड़ेंगे सेम तरीके से ठीक है भैया जी ओके okay, नहीं इसमें हमने दिया बी टू की वैल्यू जीरो है या बी फाइव की जीरो है या बी एट की जीरो है हाँ, तो मैसेज बॉक्स दे फिल ऑल फिल और सब्जेक्ट को एग्जिट कर दे, नीचे के जो कोड है वो रन ना हो ओके ठीक है और समझ में आएगा आपको ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए नेम नहीं ये मान लीजिए यूजर आईडी है, सपोज यूजर आईडी आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो नेम मैं टाइप करूँ वो डेटा शीट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए,
अगर मुझे डुप्लीकेट नेम नहीं डालने हैं, एक यूनिक नेम डालना है, क्योंकि आईडी हमारा यूनिक होना चाहिए ना। करेक्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि डिम सी एज ए इंटीजर या लॉन्ग, इंटीजर कर दीजिए। देन हम करेंगे सी इक्वल टू, अब बोलेंगे से यहाँ पे वी लुकअप अगर लगा देते हैं, मैच लगा देते हैं, लेकिन वी लुकअप पर मैच अगर आप लगाते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो एरर, जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगा तो रिजल्ट में एरर देगा, तो फिर आपको यहाँ पे एरर को ट्रिगर करने का, क्योंकि सी के ऊपर एरर तो स्टोर नहीं होगा ना, उसको ट्रिगर करने का कोड डालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे काउंट इफ लगा लूँ, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ। काउंट इफ में हमने बोला कि डब्लू डॉट ए में आपका आईडी है, बी में आपका टाइम डेट है, टाइम है, मतलब कि सी डी होगा ना यहाँ पे डी बाय डी। क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है एफ डॉट रेंज, और हमने यहाँ पे दे दिया बी टू डॉट वैल्यू, ठीक है मैम। तो हमने यहाँ पे काउंटिव का फॉर्मूला लगा दिया, और काउंटिव के फॉर्मूले में बोला कि भाई इसमें सी डेटा डब्ल्यू शीट में जाओ और एफ शीट के एफ टू को काउंटिव करो। तो काउंटिव करने के बाद रिजल्ट सी के ऊपर डाल देगा। देन यहाँ पे कंडीशन देना होगा कि इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन एम एस सी बॉक्स दिस आई डी या यूजर आई डी हैव लिस्टेड, या कुछ भी दे दीजिए मैसेज अपना, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे एग्जिट सर्व, ये करना जरूरी है, और फिर एंड। तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पूजा दे दिया वापस, कोई पूजा ऑलरेडी इंटर है, तो मैसेज देगा कि दिस यूजर आई डी हैव ए लिस्टेड, और देखिए इसने डबल पूजा की एंट्री नहीं किया, समझे मैम। हेलो, हाँ जी, ओके, क्लियर है कोई डाउट इसमें? इसमें हमने फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाले में तो हमने दिया तीनों में से अगर किसी की भी वैल्यू जीरो है तो वो ये मैसेज बॉक्स शो करेगा और एंड कर देगा वहीं। सेकेंड में हमने क्या किया, हमने पूजा को, मतलब जो यूजर आईडी है उसको हमने डेटा शीट में काउंट करवाया। ओके। काउंट करके अगर पूजा एंट्री होगा तो रिजल्ट एक दो तीन जितना बार एंट्री होगा उतना बार रिजल्ट देगा। करेक्ट। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया कि सी के ऊपर अगर कोई नंबर स्टोर है जीरो से ज्यादा है, ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन, इसलिए लिखा हमने कि वन या वन से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आईडी ऑलरेडी लिस्टेड है, मैसेज शो करें कि दिस आईडी लिस्टेड, और यहाँ पे यहीं पे माइक्रोज को फिनिश कर दे, आगे उसको चलने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, ओके, ठीक है। अब उसके बाद जब तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं ना, जैसे मान लीजिए जब भी आप कुछ सेंड रूट करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, तो लास्ट में पूछता है डू वांट टू सेव दिस डेटा, कभी गलती हो सकता है कि गलती से इस पे क्लिक हो गया हो, या गलत फील्ड एंट्री हो गई गलती से क्लिक हो गया। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, इंटीजर है ना, सी के जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं एम, और इंटीजर लेंगे, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कि एम इक्वल टू एम एस जी बॉक्स बॉक्स ब्रैकेट ओपन प्रॉम्प्ट, मतलब कि मैसेज क्या शो ना होना चाहिए, डी यू Want to save? टाइटल क्या आना, यहाँ पे बटन्स क्या आना चाहिए, मतलब कि बटन्स क्या आना चाहिए, तो हमने बोला बटन होना चाहिए यस एंड नो, ठीक है, और इसके बाद टाइटल, ऊपर जो टाइटल टाइटल लिखा हुआ है ना, ऐसे फॉर्म पे टाइटल क्या हो, टाइटल दे दीजिए प्लीज,
कन्फर्म, ठीक है। तो मैसेज आएगा तो उसमें यस नो का बटन होगा, अगर किसी ने एस पे क्लिक किया तो एम के ऊपर वीवी यस शो होगा, और किसी ने नो पे क्लिक किया तो एम के ऊपर वीवी नो शो होगा। तो यहां कंडीशन नहीं है कि एफ एम इक्वल टू वीवी नो देन एग्जिट, क्योंकि अभी कोई मैसेज देने की जरूरत तो नहीं है ना, और एक सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट है तो उसने इसको एक लाइन में ले दिया देन और नीचे एंड इफ वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी है, समझ गए मैम। अब देखिए जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सब पूजा तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक कर देता हूँ रवि कर देता हूँ रवि। हाँ अब जैसे सेव करूंगा यहाँ देखिए आएगा डू वांट टू सेव, अगर मैंने यस पे क्लिक कर दिया तो डेटा सेव कर दिया, यहाँ देखिए डेटा सेव कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एकता दिल्ली भर दिया, अगर मैं इसको सेव किया अब मैं नो पे क्लिक कर दिया तो इसने कुछ नहीं किया, देखिए डेटा एंट्री नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, समझ गए मैम। तो ये चीजें होता है इसको बोलते हैं वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब ओवर डेटा वैलिडेशन है जो एक्सेल के अंदर है, वैलिडेशन है कि आपने कुछ भी आपने प्रोसेस को वैलिडेट किया। इसमें कई सारे इस तरह से कंडीशन हो सकती है, जैसे आपको कोई काम करना है और काम करने के लिए आपके पास एक चेकलिस्ट है कि भाई ये सारे चेकलिस्ट फॉलो होने के बाद ही मुझे कोई काम करना है। जैसे आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, आप चाहते हो आगे बढ़ने से पहले मैं ईमेल आईडी को चेक कर लूँ कि ईमेल आईडी सही है या नहीं है, इसमें एट द रेट है या नहीं है, लास्ट में डॉट है या नहीं है, एट द रेट के बाद डॉट है या नहीं है, मतलब एक बार रीच, हाँ ठीक है वैलिडेट हो गया पहले जो भी हमने फील्ड्स फिल करी है वो एक बार लाइक जैसे फॉर्म में आता है कि एक बार चेक कर लें डाटा एंड देन से जी करें। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको एक अच्छे से फॉर्म पे, क्योंकि मैंने तो आपको एक बार सिंपल फॉर्म पे बताया, आप इसको एक अच्छे फॉर्म पे अप्लाई कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। ओके।